हेलो दोस्तों, देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी, तो बड़ा ही मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए जब क्रिकेट में एक तरफ विराट कोहली खड़े हो और दूसरी तरफ एमएस धोनी खड़े हो तो मजा ही उसका कुछ होता है। बड़ा मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स का और आरसीबी का, शाम को 7:30 बजे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम का खेला जाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्ट, बहुत ही मजा आने वाला है। दोनों फॉर्मर क्रिकेटर हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो ये दो मुकाबला जो देखने को मिलेगा ना, बहुत दिलचस्प, बहुत शानदार मुकाबला मिलेगा। हेड टू हेड दोनों मुकाबले, दोनों टीमों से कौन सी टीम ऐसी है जो ज्यादा मुकाबले जीती है, एक दूसरे को पछाड़ी हुई है, प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, इन तमाम टॉपिक आप लोग कवर करेंगे। आप सभी लोग को नमस्कार, आप सभी लोग को मेरे चैनल स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए पहले प्लेइंग 11 बात करते, प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, उसके बाद आगे बात करेंगे। प्लेइंग 11 बात करते पहले सीएसके की, देखिए ऋतुराज गायकवाड हो गए, आपका डेन कॉनवे हो गए, उसके बाद देखिए अजिंक्य रहाणे हो गए, मोइन अली हो गए, अंबती रायडू हो गए, उसके बाद देखिए शिवम दुबे हो गए, जडेजा हो गए, धोनी हो गए, प्रिटोरियस हो गए, उसके बाद देखिए महेश तीक्ष्णा हो गए, अच्छा बॉलर तुषार देश पांडे। ये तो सीएसके की ऑलमोस्ट यही प्लेइंग में खेलेगी। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो आकाश सिंह आ सकते हैं। वहीं आरसीबी की हम बात करते हैं तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, महिपाल रोमाल है, मैक्सवी है, उसके बाद देखिए शहबाज अहमद है, डीके हसरंगा को खिलाना चाहता हूँ, हर्षल पटेल हो गए, पार्नेल हो गए, उसके बाद देखिए सिराज हो गए, विजय कुमार बीएसक विजय कुमार, ये टीम हो गई। देखिए इंपैक्ट प्लेयर की बात करता हूं तो मैं अवनीश सिंह को देखना चाहता हूं। अवनीश सिंह डेब्यू करा देते हैं आज के मुकाबले में, तो अवनीश सिंह फास्ट तगड़ा बॉलर, इसके पास गति है, स्पीड है और ये कारगर साबित हो सकता है। अगर प्रभु देसाई को बीच में लाना चाहते हैं मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर खिलाने के लिए, तो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि प्रभु देसाई लास्ट आईपीएल 2022 में कोई खराब नहीं किया था, अच्छा किया था, लेकिन आई डोंट नो कि आरसीबी उस पर विश्वास बिलीव क्यों नहीं दिखा रही हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा बॉलर है, तगड़ा बॉलर है, तगड़ा बैट्समैन है। देखिए दोनों टीम की बात करें तो 10 मुकाबले जीता है आरसीबी अभी आईपीएल हिस्ट्री में और 19 मुकाबले जीत चुका है सीएसके, मतलब 19 बार सीएसके जीता है और 10 बार आरसीबी जीता है। जो पड़ला है वो हमेशा सीएसके का भारी रहा है आरसीबी के खिलाफ। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी को पता है, शानदार कैप्टन है, कूल कंपोज कैप्टन है, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ जो देखने को मिलता था विराट कोहली जो अग्रेसिव कैप्टन है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों टीमों जो जीतेगी आज एक अलग एडवांटेज लेके जाएगी। क्यों दोनों टीमों ट्राई टीम लग रही है, क्योंकि आरसीबी लास्ट मुकाबला जीत के आई है, सीएसके लास्ट मुकाबला हार के आई है राजस्थान रॉयल्स से, जो आपको पता लास्ट गेंद पर 7 एक छक्का चाहिए, छक्का नहीं मार पाए महेंद्र सिंह धोनी और लास्ट केवल 3 रन से मुकाबला करीबी मुकाबला हार गया था सीएसके। तो यहां से वापसी करना चाहेगा सीएसके, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज जीत कर 6 अंकों के साथ 5 मुकाबले 3 जीत के साथ आगे बढ़ना चाहता है आईपीएल 2023 में। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें कौन सी टीम जीत सकती है, मैं आरसीबी के साथ जाऊंगी। देखिए आरसीबी सपोर्टर हूं तो इस बात मैं आरसीबी सपोर्ट करूंगा, लेकिन सीएसके भी कमाल कर सकती है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, क्योंकि आंकड़े बहुत शानदार है। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो एमएस धोनी की स्ट्राइक बहुत शानदार है, एवरेज बहुत शानदार है, तो कमाल धमाल मचा सकते हैं एमएस धोनी। ऊपर देखिए आपके देखिए ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कॉर्न में बहुत तगड़े हैं, यहां पर देखिए बीच में देखिए मोइन अली आपके सपोर्ट करने वाले, अंबती रायडू है, शिवम दुबे है, जडेजा है, तो तमाम अजिंक्य रहाणे एक पारी बहुत शानदार खेला था, उनके पास बैटर कमी नहीं है, शानदार सा बैटर है। और वही आरसीबी के बैटिंग मुझे थोड़ा सा खराब लगती है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा इनका वीक है, ऊपर संभाल लेते हैं विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस नहीं संभालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। वही महिपाल रोमाल लास्ट मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो यही बात कहूंगा कि आरसीबी मुकाबला जीतेगी आज का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब मैच को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।